शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कैटेगरी वाइज पूरा कटअप के बारे में। जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का कितने नंबर में जो है सिलेक्शन होगा। और आपको ये भी मैं बता देना चाहता हूं कि अगर जिनका कम मार्क्स आया हो, कम मार्क्स वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा निराश होंगे और वो सोच रहे होंगे कि अब हमारा क्या होगा, हमारा जो है सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। और आप जो है किस तरह से दावा पत्ती भी कर सकते हैं, कटअप का जो क्राइटेरिया है वो कितना जाने वाला है, क्या आपका कम नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, या फिर कितने नंबर में हम आपको सेफ जोन में जो है महसूस करें, कितना नंबर हमारा आ रहा है, हमने क्वेश्चन से अटेम्प्ट किए हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऊपर से प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके एग्ज़ाम्स में जो है माइनस मार्किंग थे, निगेटिव मार्किंग, तो ऐसे ही स्टूडेंट जिन्होंने अगर क्वेश्चंस को ज़्यादा सॉल्व कर दिया है, ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं और उनका अगर सही भी है तो माइनस मार्किंग की वजह से उनका नंबर जो है माइनस हो जाएगा, थोड़ा सा कट हो जाएगा। तो आखिरकार कट ऑफ का क्राइटेरिया जो है किस तरह से होने वाला है, आखिरकार कितने नंबर में जो है आपका सिलेक्शन जो है होने वाला है, और आपका जो शिक्षक बनने का, जो टीचर्स बनने का सपना है, किस तरह से आप अपने सपनों को, किस तरह से आप अपने ड्रीम्स को, किस तरह से आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हो, इस वीडियो में आप सभी को मैं सभी जानकारी जो है देने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप वीडियोज़ को लास्ट तक वॉच करते हैं तो आप लोगों को कम्प्लीट एक एक जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है मिल पाएगा। सो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट का ज़्यादा नंबर में सिलेक्शन इसी वजह से होता है क्योंकि इसमें आरक्षण जो है नहीं होता जनरल। यदि आप चाहे एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं और अगर आपको रिजर्वेशंस मिलता है, अगर आपका नंबर ज़्यादा आ जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा जनरल में, और आपके जो एससी, एसटी, ओबीसी कोटा का जो सीटें हैं वो सीटें भी सेव रहेगा, वो सीटें भी सुरक्षित रहेगा। ये चीज़ें होता है क्राइटेरिया आरक्षण का और किस तरह से। देखिए आपको बता दूं, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट का अगर हम प्रिडिक्ट करके बात करें एक्सपेक्टेड कटअप की कि कितने नंबर में आपका जो है सिलेक्शन होगा, कितने मार्क्स में सिलेक्शन होगा, तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपका मार्क्स जो है 122 से 127 के बीच में है, जी हाँ, अगर 122 से 127 के बीच में है तो मतलब आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा, क्योंकि कटअप जो है ना हाई जाने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट तो मेहनत तो करते हैं और कटअप जो है किस तरह से होता है, क्वेश्चंस अगर आसान हो तो कटअप बहुत ज़्यादा हाई जाता है और इस बार भी कटअप जो है हाई जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चंस कंप्यूटर के पोर्शन से जो क्वेश्चन जो है पूछे गए थे वो बहुत ही ज़्यादा ईजी थे, यानी कि सर्च इंजन के बारे में पूछा गया था जो कि आसान सा क्वेश्चन था, कंप्यूटर्स के तो काफ़ी ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन था, इंग्लिश का भी और जनरल साइंस का भी, तो एक तरह से अगर हम देखें तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। तो 122 से 127 मार्क्स आएगा तो आपका सिलेक्शन होगा। वहीं ओबीसी कैटेगरी वाले की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का जो क्राइटेरिया होगा आपका 115 से 120 नंबर रहेगा, जी हाँ, इतना नंबर आएगा तो मतलब आपका सिलेक्शन होने के चांसेस जो है काफ़ी हद तक जो है बढ़ जाएगा और आपका सिलेक्शन भी ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से इसमें जो है देखने को मिलेगा, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम्स की स्टडी कर रहे हैं कटअप जो है इतना ही होने वाला है। वहीं अगर हम बात करें एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट की, तो एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट यदि आप हैं और आपका अगर मार्क्स 110 से 115 नंबर के बीच में आ रहा है तो मतलब आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। वही यदि अगर आप एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस मिलता है, तो उनका जो है अगर 105 से 110 नंबर के बीच में भी अगर मार्क्स आता है फिर भी आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। तो इसी तरह से कुछ क्राइटेरिया जो है आपका होने वाला है। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, एग्ज़ाम्स को जो है एग्ज़ाम्स में बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए, एग्ज़ाम्स में जो है अच्छे से नंबर लाने के लिए, तो अच्छे से नंबर लाइए और आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। बस एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, इस बार अगर जिसका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ है वो उन स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ, आप बिल्कुल भी निराश मत होना। इस बार भले ही आपको कामयाबी ना मिले, इस बार भले ही आपको अगर आपके उम्मीद के मुताबिक अगर आपको एक अच्छा बेहतर रिज़ल्ट नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आने वाला समय में आपको जो है ज़रूर कामयाबी मिलेगा।
आने वाला समय आज से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। बस आने वाले समय को आज से कहीं ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हमें आज मेहनत करना है, हमें आज तैयारी करना है। तो यदि आप अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो आने वाला समय आपका बेहतर होगा, आने वाले समय में आपको कामयाबी डेफिनेटली मिलेगी। बस मेहनत करते रहिए, सब्र और मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है, सब्र और मेहनत का फल हमेशा जो है मीठा होता है। तो आप जो पेशेंस, आपने जो सब्र दिखाया है उसका यकीन मानिए, यकीनन आपको बेहतर रिज़ल्ट, आपके उम्मीद के मुताबिक रिज़ल्ट जो है मिलने वाला है। बस थोड़ा सा इंतज़ार की जो ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी खुद एक स्ट्रगल है। जितना ज़्यादा आपका स्ट्रगल होगा उतने ही ज़्यादा आपकी कामयाबी आपको मिलेगा, आपको सफलता मिलेगा। तो स्ट्रगल से पीछे मत हटिए, स्ट्रगल को फेस कीजिए। और जितना ज़्यादा आप अभी धूप में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं ना, उतने ही ज़्यादा आप आगे कामयाब हो पाएंगे। मैं तो आपको ये बोलता हूँ कि अगर आप अभी इस वक्त जो एक स्टूडेंट लाइफ है, एक स्टूडेंट है, 4 से 6 घंटे पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और वह सिर्फ आप टाइम पास कर रहे हैं या बहाना बना रहे हैं ना पढ़ने के लिए, तो आपको ये मैं बोलना चाहता हूँ, जब आप अभी नहीं पढ़ रहे 4 से 6 घंटे, जब आपकी ये स्टूडेंट लाइफ चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब आप बेरोज़गार हो जाएंगे, जॉबलेस हो जाएंगे, तो वहाँ पर आपको जो है 10-10, 12-12 घंटे जो है काम करना पड़ेगा, 10 to 12 hours कड़ी धूप में मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद उस टाइम आपको एहसास होगा कि काश यार मैंने अगर पहले स्टडी किया होता, काश यार मैंने पहले अगर मेहनत किया होता तो मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। फिर आपको जो है कड़ी कड़ाके की धूप में, कड़ाके की ठंड में आपको मेहनत करना होगा। और वहाँ पर भी ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि आपका जॉब परमानेंट रहेगा या फिर नहीं रहेगा। आप वेल्डर के तौर पर काम करेंगे, जो कमाने का आने के लिए जाते हैं ना, पूना जाते हैं, बहुत से ऐसी जगह है, रायपुर भिलाई, वहाँ पर आप जाएंगे और वहाँ पर आपको ना ही के बराबर जो है सैलरी दिया जाएगा और आपको कभी भी काम से निकाल दिया जाता है। या फिर कहीं पर भी आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपकी जॉब का कोई गारंटी नहीं होता, वहाँ पर भी आपको कभी भी निकाल दिया जाता है। इसलिए काम करना ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है, इसलिए पढ़ाई करना ज़रूरी है। तो पढ़ाई से बिल्कुल मत भागो, इसी तरह से आपका जो है कटअप का क्राइटेरिया जो है होने वाला है। बस मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। बस अपने आप पर भरोसा रखना, कितना भी मुश्किल वक्त, कितना भी मुश्किल दौर क्यों ना हो, वक्त ज़रूर बदलता है, दौर ज़रूर बदलता है। आज आपका दौर नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई बात नहीं, आपका आने वाले समय आपका ही होगा। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी जो है शोर मचा दे। वक्त सबका आता है पर उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, और आपका दौर ज़रूर आएगा। रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर हार ना बैठ, मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगा और आपका एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई होगा। बस अपने आप पर भरोसा रखना। सो वीडियोज़ को शेयर करना, बहुत से स्टूडेंट तक वीडियोज़ नहीं पहुँच पाता, कम से कम उन लोगों तक वीडियोज़ को शेयर कीजिए जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं। सो थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए और अपने सपनों के बारे में हर एक वक्त सोचते रहिए।